लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान। चिराग पासवान जमुई छोड़कर हाजीपुर से लोकसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? बता दें कि चिराग पासवान जब जमुई पहुंचते हैं केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास करने के लिए, तो वहां पर लोग भावुक अंदाज में चिराग पासवान को 5 लाख पार के नारे लगाते हैं। बता दें कि चिराग पासवान 2014 में पहली बार सांसद बने जमुई से, दूसरी बार 2019 में सांसद बने, लेकिन चिराग पासवान से लोग वहां के इतने प्रभावित हो गए कि चिराग पासवान की जब खबर आई कि चिराग पासवान जमुई नहीं हाजीपुर से 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वहां के लोग भावुक हो गए। बता दें कि चिराग पासवान ने जमुई को अपना परिवार बताया और बताया कि सांसद के तौर पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बेटे के रूप में जमुई आप सबका परिवार के तौर पर हमेशा वादा करता हूं कि साथ रहूंगा। बता दें कि चिराग पासवान जमुई से दूसरी बार सांसद रहे। 2014 में चिराग पासवान बताया कि मैं सांसद बन के जरूर आया था, लेकिन 19 से 24 का जो रिश्ता रहा हमारा जमुई से, वो पारिवारिक रिश्ता रहा, बेटे की तरह रिश्ता रहा। बता दें कि चिराग पासवान डिसाइड कर चुके हैं कि जमुई नहीं हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने हाजीपुर को अपना तीर्थ स्थल भी बता दिया है। बता दें कि रामविलास पासवान एक जमाने में हाजीपुर से लगातार कई बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन बता दें कि चिराग पासवान हाजीपुर की सीट को अपना छोड़ना नहीं चाहते। बता दें कि चिराग पासवान हाजीपुर से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में हैं। बता दें कि जमुई की सीट भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी लड़ेगा, लेकिन वो प्रत्याशी कौन होगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन चिराग पासवान ये भी करें, जब सीट क्लियर होती है इसके बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कौन प्रत्याशी किस सीट से चुनाव लड़ेगा। तो बता दें साथियों कि चिराग पासवान हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हो गए हैं। तो देखिए साथियों क्या अपडेट आता है। चिराग पासवान 11 लोकसभा प्रभारी चुके हैं। तो देखिए साथियों चिराग पासवान हाजीपुर लड़ते हैं तो क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।